नमस्कार, आपके स्वास्थ्य से जुड़े खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 13 फरवरी यानी कि आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने की शुरुआत हो गई है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से, जब वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। आयुष्मान भव में आज हमारी चर्चा का विषय है, कोरोना वैक्सीन दूसरी डोज क्यों है जरूरी। वैक्सीन की दूसरी डोज से जुड़े तमाम सवालों, आशंकाओं और पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय करवा दूं। डॉक्टर डी हिमांशु हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी, एपिडेमियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि वैक्सीन की जो दूसरी डोज है, दूसरी खुराक है, वो क्यों जरूरी है। देखिए, कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलाया जा रहा है। अब तक 70 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। 16 जनवरी को वैक्सीन का पहला टीका लगने के बाद 13 फरवरी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर जरूरी है। वैक्सीन के पहले टीके के बाद दूसरे टीके को लगवाना जरूरी है, क्योंकि दूसरी डोज नहीं लेने पर दोबारा संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। वैक्सीन की पहली डोज से इम्यून सिस्टम को ठीक करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी डोज वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को और मजबूत बनाएगी, जो शरीर में एंटीबॉडी को कई गुना बढ़ा देगी। दूसरी डोज लगाने के 14 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। वैक्सीन की दूसरी डोज शरीर में एंटीबॉडी के साथ साथ टी सेल्स बढ़ाने का भी काम करेगी। इन टी सेल्स को किलर सेल्स भी कहा जाता है। ये टी सेल्स वायरस पर इम्यून रिस्पॉन्स के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे लोगों को वायरस के खिलाफ लंबी इम्यूनिटी मिलेगी। लिहाजा वायरस के खिलाफ लोगों को दोहरी सुरक्षा मिलेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी जीत हासिल करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से दूर रहा जाए और सही समय पर दूसरी डोज जरूर लगवाई जाए। और इसके साथ ही संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों जैसे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया जाए। और आइए अब ये जानने समझने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि वैक्सीन की जो दूसरी डोज है उसे लगवाना कितना जरूरी है और इसे ना लगवाने पे किस तरह का नुकसान या किस तरह का खतरा हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल है, हम जानते हैं कि जो दूसरी डोज है उसको लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी हैं, उन पर मैं बाद में आऊंगी। पहला सवाल मेरा आपसे ही है, वैक्सीन की दूसरी डोज क्यों है जरूरी। नमस्कार, आपने जो प्रश्न पूछा है कि दूसरी डोज लगवाना क्यों जरूरी है जी। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम पहला डोज लगवाते हैं वो हमें वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए थोड़ी सी शक्ति देती है, लेकिन वो जो मेमोरी, थोड़ी सी मेमोरी डेवलप होती है कि जैसे हम कोई नया चीज सीखते हैं कि उसके लिए पहली बार में हम सारा एक बार में नहीं याद रख पाएंगे, थोड़ी बहुत याद होगी, बट अगर हम दोबारा पढ़ेंगे वही चीज हमें अच्छे से वो याद हो जाएगी। वैसे ही वायरस के अगेंस्ट जब हम हमारी बॉडी के सेल्स लड़ते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, तो पहली बार जब हम वैक्सीन देते हैं जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं दे पाएगा। अगर हम दूसरी डोज लगवाते हैं तो उसका मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है और जब भी वायरस अटैक करेगी हमारे बॉडी तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करेगी और इन्फेक्शन होने से हमें बचाएगी। इसीलिए हमें दो खुराक लेना बहुत जरूरी है जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो दूसरी डोज है वो बूस्टर डोज की तरह है और ये दोहरी सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगी। डॉक्टर हिमांशु, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो दूसरी डोज है उसे लेकर
28 दिनों का जो अंतर है पहली और दूसरी डोज के बीच में, वो रखना जरूरी है। लेकिन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश ये अंतर ज़्यादा बढ़ जाता है, समय पर आप दूसरी डोज नहीं लगवा पाते हैं, तो अब नेक्स्ट डोज जो है वो कब लगवाई जा सकती है और क्या इसका भी कोई दुष्परिणाम दिखेगा अगर 28 दिन से ज़्यादा अंतर हो जाए? देखिए, जितने भी हमारी जो वैक्सीन्स आई हैं, इनके जो स्टडीज़ का में इन्होंने 28 दिन के हिसाब से चेक किया गया था, जिसमें आप क्योंकि पहले डोज के बाद 50% जो है 50% के आसपास आपके एंटीबॉडीज की बनने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरे डोज 28 दिन के बाद देने के बाद उसके 2 हफ्ते के बाद जाके आपको एक अच्छे नंबर में एंटीबॉडीज बनते हैं। अगर किसी ने अगर 28 दिन पे नहीं लगाया तो आजकल कुछ लोग एक आध हफ्ते के तक तो में कोई इशू नहीं आनी चाहिए, बल्कि कुछ स्टडीज नए वाले में 6 हफ्ते पे भी, कुछ देश ऐसे हैं जो 6 हफ्ते पे भी लगा रहे हैं। पर उससे ज्यादा देर होता है तो आपको रिस्क, क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं बनी तो आपको अगर फिर से अगर एपिडेमिक बढ़ता है तो रिस्क बढ़ जाएगा, आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं होगी और चांस ये है कि आपको फिर से कोरोना होने का रिस्क रहेगा जी, तो पहला वैक्सीन उससे नहीं बचा पाएगा जी। तो डॉक्टर हिमांशु, तो क्या इस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है तो क्या ये जो प्रोसेस है वो दोबारा शुरू से रिपीट करना होगा पेशेंट को, या फिर जिन लोगों को लगाया जा रहा है उनको दोबारा पहली और दूसरी डोज फिर उसी तरीके से उसी प्रोसेस में देनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि अगर बहुत अगर मिस हो जाएगा तो एंटीबॉडीज की कमी तो आएगी, लेकिन 6 हफ्ते से 2 महीने तक भी आजकल कुछ स्टडीज दिखा रही है लगाया जा सकता है, पर उससे ज्यादा देर होगा तो फिर आपके जो मेमोरी एज अ बूस्टर के क्या इफेक्ट आएगा अभी किसी को पता नहीं, हो सकता है कि उतना इफेक्ट भी नहीं आए, तो मतलब आपको हो सकता है फिर से पूरी तरह से शुरू करना पड़ सकता है पूरे फुल डोज से इसमें जी। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, आपने दूसरी डोज यानी बूस्टर डोज की इफेक्ट्स की, उसके असर को लेकर बात की कि अभी उसे लेकर बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है कि इसके कितना असर जो है दिखेगा। डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा गया है कि पहली डोज लगने के बावजूद भी कुछ लोगों में कोरोना जो संक्रमण है उसके चांसेस दिखे हैं, कुछ लोगों में संक्रमण हुआ भी है, इसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो इसे लेकर आप कैसे आप इसे क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि वैक्सीन के बाद भी अगर संक्रमण हो रहा है, इसे लेकर लोगों के मन में जो आशंका है? जी, कि दूसरी डोज लेने से पहले डोज के बाद हमारा प्रोटेक्शन जो होती है वो ओनली 50% एफिकेसी मैक्सिमम अलग अलग वैक्सीन में हमें दिखाई दिया गया जी। तो ये 50% वैक्सीन लेने के बावजूद 50% आने के चांसेस है। और दूसरे ऐसे नहीं है कि आज हमने वैक्सीन लिया तो तुरंत ही हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं। हमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आने के लिए, कि लड़ने की शक्ति 100% काफी अच्छी तरह से आने के लिए, कम से कम 2 डोज और उसके बाद भी एक आधा हफ्ते के बाद ही प्रॉपर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन हमें, कंप्लीट प्रोटेक्शन हमें मिलने के चांसेस है वो। तो इसलिए अगर उससे पहले अगर किसी को की एंटीबॉडीज नहीं बनाए या किसी भी कारण के वजह से, तो उनमें इन्फेक्शन आने की चांसेस है, क्योंकि 50% एफिकेसी होती है हमारा पहली वैक्सीन के पहली डोज के बाद। तो 50% लोगों में की चांसेस है कि मतलब कंपेयर टू कि अगर जिसको वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं लिया उनके कंपैरिजन में 50% लोगों में ज्यादा चांसेस है कि आने की जी। डॉक्टर हिमांशु, तो दूसरी जी जी मैम आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, हम इसीलिए कहते हैं कि पहले डोज लेने के बाद भी हमें अपना इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जैसे मास्क वगैरह पहनना वगैरह हमें छोड़ना नहीं चाहिए जी, जो यानी कि सुरक्षा के जो उपाय हैं, एहतियाती उपाय, उन्हें ज़रूर आपको अपनाना है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार बार धोना संक्रमण से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, भले आप वैक्सीन ले रहे हैं इसके बावजूद भी। डॉक्टर हिमांशु, एक सवाल ये भी है कि जो दूसरी डोज है उसका असर जो है वो कब तक आएगा, यानी कि कब ये माना जाए कि जो पहली डोज और दूसरी डोज लगने के बाद जो इसका प्रोटेक्शन लेयर है वो अब कंप्लीट हो गई है और संक्रमण के खिलाफ रक्षा करने के लिए शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी तरह से तैयार है? देखिए, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया था कि मिनिमम हम लोग कहते हैं 14 दिन तो चाहिए ही चाहिए उसमें,
14 दिन के पहले आप इतना समय तो लेता ही है, इवन जब किसी को बीमारी भी होती है तो सही मात्रा में एंटीबॉडीज बनने में वो 14 दिन तो कम से कम लगते हैं। उसी तरह वैक्सीन के भी सेकेंड डोज के बाद 14 दिन तो कम से कम लगेंगे, कभी कभी हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो और थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं और ये बार बार कहा जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि आप मास्क उतार के और अपनी जितनी जो सेफ्टी मेजर्स है जो हम कहते हैं हैंड वॉशिंग और मास्क, ये सब आपको भूलना नहीं चाहिए। अभी भी आपको कुछ दिन तक इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से निभाना है और हम इतने आगे आ चुके हैं, हम काफी हद तक पहुंच गए। अब ये 2-4 हफ्ते या मान के चलिए 2-3 महीने 1-2 महीने की और लड़ाई है, इस समय हमें ढीला नहीं होना है। ये नहीं कि हम इंजेक्शन वैक्सीन लगते ही दूसरे डोज के बाद सब ये मान के चले और बिना मास्क के हर जगह घूमेंगे तो फिर रिस्क अभी भी बना ही रहेगा तभी भी। जी जी डॉक्टर लक्ष्मी, मेरा सवाल आपसे एलर्जी को लेकर है। हालांकि हमने देखा कि पहली डोज लगने के बाद लोगों में बहुत ही मामूली से जो है वो लक्षण साइड इफेक्ट बहुत ही मामूली से दिखाई दिए, कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, लेकिन लोग अब दूसरी डोज लगने के बाद जो किसी तरह के लक्षण हैं जो शरीर में आ सकते हैं या एलर्जी है उसे लेकर थोड़े से आशंकित हैं, इस पर मैं चाहूँगी आपका जवाब। पहले तो उसके बाद जो माइनर साइड इफेक्ट्स है कि जैसे कि बुखार आना किसी किसी में, या हल्का बॉडी एक्स होना, या हल्की सी जुकाम जैसी होना, या किसी में हल्की सी डायरिया जैसा कि जो कोविड के नॉर्मल लक्षण जैसा किसी किसी लोगों में माइनर सिम्टम्स हमें मिला है लक्षण। तो अगर हम दूसरी डोज के बाद भी हमें वही सिम्टम्स दोबारा रिपीट होने के चांसेस है, तो इसलिए कि हमें ये जरूरी है कि जैसे कोई भी बच्चों को भी हम डीपीटी वैक्सीन लगवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि बच्चे को बुखार हो सकता है कि आप पैरासिटामोल की गोली खिला दीजिए, हम हर डोज के साथ बोलते हैं। जो हम आम वैक्सीन के लिए कि जैसे प्रिकॉशंस लेते हैं उसी तरह के प्रिकॉशंस हमें कोविड वैक्सीन के लिए भी लेना है। और हमें माइनर सिम्टम्स होते हैं तो कि हमें उसका की चांसेस जैसे फर्स्ट डोज के बाद है वही लक्षण हमें सेकेंड डोज के बाद भी हो सकते हैं। अगर बाय चांस अगर किसी को थोड़ी ज्यादा सिम्टम्स होता है तो देन उनको की इमीडिएटली अपने नजदीकी अस्पताल में रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसका चांसेस बहुत ही रेयर है। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, मेरा सवाल आपसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर है। आप जैसा कि मैम ने भी बताया कि कुछ तरह के लक्षण जो हैं वो सामने आ सकते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से या जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स वो खुद ले सकते हैं? नहीं देखिए, जो पहले डोज के बाद अब तो हम लोग काफी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है। जब शुरू में हमारे काफी सारे कंफ्यूजन थे कि किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि मेजॉरिटी लोगों में यही आया, बुखार 1-2 दिन तक आना, थोड़ा सा गले में खराश, पेट खराब होना, यही थे। हम लोग यही बोलते हैं कि अगर इस तरह कोई लक्षण हो तो सिंपली आप जो कहते हैं पैरासिटामोल की गोली खा लें और कुछ नहीं करना है। बदन में दर्द हो तो बस एक सिंपल पैरासिटामोल की गोली मैक्सिमम खाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी को अगर पहले वाले उसमें एलर्जी हुआ था या कोई रिएक्शन हुआ था तो उनको थोड़ा सा रिस्क है, ये चीज हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। बट हम लोग ने इतने वैक्सीन के हमारे सेंटर पर इतने वैक्सीनेशन हुए, किसी में भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भी हम लोग जो है सारे एहतियात बरतेंगे, जो डॉक्टर्स की जो टीम है, जो हम लोग कहते हैं AEFI यानी एडवर्स इवेंट का कोई जो हम लोग का जो प्रोटोकॉल है वो अभी भी फॉलो होगा। और हम लोग जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग एक नंबर के रखते हैं ताकि अगर किसी कोई भी लक्षण हो, कोई परेशानी हो, तुरंत उनको फोन कर ले और हम लोग को कॉन्टैक्ट कर ले। ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को कोई रैश बनना यानी कोई लाली आना, चकत्ते पड़ना, इस तरह के कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि वो एक इनिशियल सिम्टम हो सकता है एलर्जी का। पर मैं ये बता सकता हूँ कि वैसे हम लोग ऐसा कोई रिएक्शन मिले नहीं है और मेजॉरिटी सिर्फ 2 या 3 दिन तक बुखार आता है। हाँ ये बात जरूर है कि कुछ लोगों को बहुत तेज बुखार आता है, तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल एक पैरासिटामोल की गोली वो बहुत है, और कुछ और नहीं करना होता है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर लक्ष्मी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी कारणवश कोई दूसरी डोज नहीं लगवा सक पाया या वो मिस हो गया तो हम ये माने कि जो वैक्सीन है जिसकी पहली डोज भी लगी वो पूरी तरह से बेअसर साबित होगी? नहीं, कि मतलब अगर मान लीजिए कि अगर स्टिपुलेटेड मतलब हम बोलते हैं कि 4 हफ्ते बाद आपको लेनी है वैक्सीन, मैक्सिमम 4 वीक्स के बाद, अगर मान लीजिए 4 वीक्स में नहीं लिया
तो वो 6 वीक्स पे ले सकता है या 8 मैक्सिमम उनको की 12 वीक्स तक भी दे सकते हैं। 12 वीक्स के बाद की एविडेंस हमारे पास बहुत कम है, तो हम मानते हैं कि अगर किसी को वैक्सीन किसी भी कारणवश अगर टाइम पे नहीं मिला है, उनको तुरंत जैसे ही उनको टाइम मिल जाए उस टाइम पे इमीडिएटली सेकेंड डोज लगवानी है, और उससे की इफेक्ट ठीक ठाक बन जाता है, क्योंकि अभी स्टडीज स्पेशली हमारे यहाँ पे कोविशील्ड दिया जा रहा है जी। कोविशील्ड में ये बताया गया है कि अगर 12 वीक्स के तक भी अगर हम वैक्सीन देते हैं तो उनका एफिकेसी ठीक ठाक है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम 12 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ले जाए कि ले सकते हैं, कि अगर बाई चांस अगर किसी टाइम पे कि 4 वीक्स के अंदर वो ले नहीं पाए जी। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, मेरा प्रश्न आपसे ये कि जो पहली डोज है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत बना रही है, और जो दूसरी डोज है वो इम्यून सिस्टम को वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक दोहरी सुरक्षा जो है वो प्रदान कर रही है, और दूसरी डोज से टी सेल्स भी बढ़ रही है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगी। आपसे जानना चाहेंगे ये टी सेल्स क्या है और किस तरीके से इनका काम है वायरस के खिलाफ लड़ने में। देखिए, एक तरीके से बताएं कि हमारे यहाँ पे हमारे शरीर में 2-3 तरीके की सिक्योरिटी होती है जी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास भी एक सीआरपीएफ आर्मी और इस तरह के अलग अलग चीज होते हैं, तो उसी तरीके से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इनिशियल हमें एक इम्यूनिटी देती हैं बचाने के लिए जी। पर वायरसेस के लिए, किसी भी वायरस के लिए ज्यादातर हमें टी सेल मीडिएट इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं, उसका बनना, उसका स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आगे भी चल के वो इम्यूनिटी पहुंचाती है। एक ये था गया है कि अगर अच्छे एंटीबॉडीज शुरू में बन जाते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंड डोज देते हैं बूस्टर का, कि अच्छा अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो उसके बाद टी सेल्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनकी मेमोरी सेल्स भी स्टिमुलेट होते हैं, तो एक उसके बाद वो कांस्टेंट एक मेंटेन कर लेती है मेमोरी, ताकि कभी भी अगर ये वायरस एंटर करे तो ये टी सेल्स या किलर सेल्स जो है वो तुरंत उस वायरस पर अटैक करके वो क्लियर कर देती हैं। इसलिए बहुत ये कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडीज 4-6 महीने बाद गायब हो गए, अगर वो गायब भी हो जाते हैं, अगर टी सेल्स हैं तो वो उनको कोई फिर भी सिक्योरिटी, एक तरह से प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहती है जी। बिल्कुल, तो ये सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए ज़रूरी भी है। डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे मेरा सवाल है, हमारे कुछ दर्शक जिनके सवाल ये भी आए हुए हैं कि जो वैक्सीन है उसका असर पहली और दूसरी डोज लेने के बाद, ये पूरा पैकेज लेने के बाद, इस वैक्सीन का असर कब तक है, कब तक ये शरीर को वायरस से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करेगी। वैक्सीन का जो इफेक्ट है कि अभी पूरी तरह से हमारा पूरा स्टडीज इतना लॉन्ग टर्म तक हुआ नहीं है कि हम करेक्टली कह पाए कि ये 1 साल तक है, 2 साल तक है, ये कहना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली 3 महीने तक, 3-6 मंथ्स तक का अभी हमारा स्टडीज का रिजल्ट्स है, तो उतना हम बोल सकते हैं कि 3 महीने तक का इफेक्टिव एफिकेसी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर हम बहुत सारे लोगों को हमने वैक्सीन दे दिया और हमने प्रोटेक्शन बढ़ाया, तो एक रिंग सा बन जाती है और ट्रांसमिशन को हम कट कर सकते हैं, जिसके वजह से कि हम कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये मेन मुद्दा है हमारा ये वैक्सीन का, इसलिए कि हमें कि 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद क्या होगा या 1 साल के बाद क्या होगा, आज के दिन पे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना 3 महीने का प्रोटेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि हम इस चेन को कट करें और इस डिजीज को हम कंट्रोल में लेके आए जी। तो वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है। डॉक्टर हिमांशु, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया कि अभी तक की जो स्टडीज़ है उसके मुताबिक वैक्सीन का जो असर है 3 महीने तक रहेगा। मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये संभावना है कि आगे चलकर दोबारा से वैक्सीनेशन को रिपीट किया जाए, ताकि जो ये रक्षात्मक, जो शरीर को जो प्रोटेक्शन हम देना चाह रहे हैं वायरस के खिलाफ, वो और मजबूत हो सके। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के वैक्सीन डेवलप हुई हैं। कुछ वैक्सीन कंपनीज ने ऑलरेडी ये कहा है कि हो सकता है कि अगले साल फिर से उनको लगाना पड़ सकता है। पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन 6 महीने के या 8 महीने के डेवलपमेंट के साथ आई है, स्टडीज के साथ। इसमें एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे ज्यादा जिसका डाटा है वो है कोविशील्ड, जो हम लोग के पास है, जो हम लोग लगा भी रहे हैं, और कोवैक्सीन का भी काफी अब डाटा आता जा रहा है। तो
ये तो पता है कि कोविशील्ड को सबसे पहले जब लगाना चालू किया अराउंड जून जुलाई के आसपास स्टार्ट किए, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हुआ, तो 3 से 6 महीने का प्रोटेक्शन तो हमें उसमें पता है कि क्लैरिटी से है। क्या एक साल में होगा कि नहीं ये कह नहीं सकते, पर ये जरूर है कुछ हम लोग को मान के चलते हैं, जैसे अगर मेमोरी सेल्स से टी सेल्स का इम्यूनिटी बन जाता है तो ज्यादातर वो मेंटेन करता है जब तक वो वायरस में कुछ ज्यादा बदलाव ना आ जाए, तब उसमें फिर क्या हो सकता है कि वो चेंजेस हो सकते हैं। परंतु इस समय ये कहना क्या हमें अगले साल लगाना है वो भी हर वैक्सीन के लिए, वो जरूरी नहीं है ये। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी कंपनीज और अभी भी बहुत सारे स्टडीज चल रहे हैं, और जितना दिख रहा है कि 6 महीने से 8 महीने तक तो अभी 6 महीने तक का तो डेटा आ चुका है कि हाँ ये बचाते हैं मोस्ट ऑफली। अगर जैसे मैडम ने कहा कि अगर एक रिंग एक हर्ड इम्यूनिटी जैसे जो हम लोग कहते हैं नेचुरल और एक इस तरह से वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी बनते हैं और हम साइकिल को तोड़ते हैं तो हो सकता है कि हमें उतना ज्यादा उसकी पूरी कंप्लीट इस तरह से हमें वैक्सीनेशन ड्राइव की ना जरूरत पड़े, बट हाँ कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम लोग वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है आगे भी। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, आपने हर्ड इम्यूनिटी की भी बात की, डॉक्टर लक्ष्मी का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर लक्ष्मी, कुछ जो रिसेंट रिसर्च आए हैं शोध हुए उनमें ये पता चला है कि जो संक्रमण कम हो रहा है, लोग कम संक्रमित हो रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी वजह हर्ड इम्यूनिटी का डेवलप होना है। ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप हुई है और इसके साथ ही क्या वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाया है इसके असर को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के रूप में आप कैसे देखती हैं, या जो वो लोग जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है? हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि अगर एक बंदा जैसे कि हमें कोई इन्फेक्शन एक से दूसरे के संक्रमण होना है तो इसका लिए जरूरी है कि एक बंदा हो जिसका कि इन्फेक्शन हो और उसका मुलाकात या उसकी उसके कॉन्टैक्ट में जो बंदा जिसको इम्यूनिटी नहीं है वो बंदा पास में आएंगे तब भी एक इन्फेक्शन एक से दूसरे को संक्रमित होता है। अगर मान लीजिए अगर जो इन्फेक्शन वाला बंदा जहां पे भी घूमता है उनके सामने जिसको ऑलरेडी इम्यूनिटी है वो लोग उनके आसपास में मिलेंगे तो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अगर एक पर्सन से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो वाइल्ड स्प्रेड हो जाती है कि एक आग जैसा कि फैलती है इन्फेक्शन। अगर एक पर्सन से कम लोगों को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्शन अपने आप कम हो जाती है। हमारा हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का मकसद यही है कि जब कोई इंसान या जो व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है वो कम्युनिटी में जाए उसके आसपास में लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो या जो वैक्सीन की वजह से जिसकी इम्यूनिटी हो वो लोग मिले ताकि कि वो आगे इन्फेक्शन को पास ऑन ना करे। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक नॉर्मली एक पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कि कहा जाता है कि कोविड में अगर 60% लोग आइदर इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी पाते हैं तो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड होना हम बंद कर सकते हैं। ये इसलिए हम आइदर 60 to 70% लोगों को हमें वैक्सीन देना, वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन के वजह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी हमें थर्ड सीरो सर्वे का रिपोर्ट हम देखेंगे उसमें कि कुछ शहरों में कि 50 to 60% लोग ऑलरेडी इम्पेक्ट हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे हमारे इन्फेक्शन 20 to 30% है। तो इसीलिए हमें लोगों को वैक्सीन देना जरूरी है ताकि कि हमारा कि आसपास अड़ोस पड़ोस में एटलीस्ट 60 to 70। जी बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन जो है वो बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी क्योंकि कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त भी करना है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन ले लिया और जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो एहतियाती उपाय हैं उनका पालन अब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँगी कि आप चलते चलते उनको एक संदेश दें। नहीं, आपने सही कहा और जैसा हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। अभी हम लोग वैक्सीन के बाद भी हमें पूरी तरीके से अपने जितने जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए। मास्क और हैंड क्लीनिंग या हैंड वॉशिंग ये बहुत जरूरी है, और अब फिजिकल डिस्टेंसिंग ये बहुत जरूरी है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि लोग थोड़े से कुछ लोग कॉन्फिडेंस में आके बहुत बार मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि ये ना करिए, वैक्सीनेशन होने के बाद एटलीस्ट 1-2 महीने तो दे दीजिए ताकि हम लोग धीरे धीरे जब कुछ दिन तक अगर पूरा हम
हम इस कोविड को हटा लेते हैं तब हाँ फिर से हम लोग की जीवन उस शैली हो सकता है पुरानी तरह हो सकती है, लेकिन अभी ये रिस्क नहीं उठाना है। अभी हमें कम से कम सेकेंड वैक्सीन के बाद भी एटलीस्ट 2 से 3 महीने यही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल, तो ये एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, यानी कि दवाई तो आप ले ही रहे हैं लेकिन कड़ाई आपको बरतनी होगी, सुरक्षा के एहतियाती उपाय जो हैं उनको अपनाना होगा। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और दूसरी डोज की शुरुआत भी हो चुकी है, लोगों को दूसरी डोज दी जा रही है और आपने समझा कि दूसरी डोज लेना भी बेहद ज़रूरी है, तभी वायरस से जो है वो पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी और ये दोहरी सुरक्षा के रूप में काम करेगा। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।